हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अब आपके पर्सन का आपको लेकर प्लस जो भी आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है उसको लेकर क्या सोचना है। अगर आप लोगों को पता है कि हम लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, एज एन इनके फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, इनके पेरेंट्स हो, कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, तो वो थर्ड पार्टी है और आपको उसके बारे में पता है कि हम लोगों के बीच में ये थर्ड पार्टी है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। यानी कि डाउट के बेस पर ये रीडिंग नहीं है। स्पेशली कोई भी रीडिंग थर्ड पार्टी की इस चैनल पर डाउट के बेसिस पर नहीं है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आपके पर्सन का अब उस थर्ड पार्टी को लेकर करंट में क्या सोचना है, प्लस आपको लेकर करंट में क्या सोचना है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ग्रेटिट्यूड जरूर दें उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi tarot deck 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, करंट अपडेट दीजिए व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर करंट में क्या सोचना है। द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्स, द टावर, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन का इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए, बताइए ना बस। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है टू ऑफ वंड्स। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो एनर्जीज तो ओवरऑल यहाँ पर सभी हो चुकी हैं, ठीक है। देखो डेफिनेटली आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे विद दिस द थ्री ऑफ कप्स कार्ड। और जो भी आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है, बेसिकली मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यानी कि चाहे हो या ना हो, लेकिन इसका खुद को लेकर यही मानना है कि ये बहुत ओवर स्मार्ट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत देखने में खूबसूरत है, इस जैसा कोई भी नहीं है, इस जैसा स्मार्ट कोई भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी कौन है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको उस तरह से अपने आप से रिलेट करनी है, ठीक है। ओवरऑल इस थर्ड पार्टी का अपने आपको लेकर यही मानना है कि आपके पर्सन इसे लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जो भी ये करती है, जिस भी वे में करती है, ठीक है। एज एन जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा प्राउडी है तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर भी अट्रैक्टेड है। अगर ये कॉन्फिडेंट है तो आपके पर्सन उस चीज़ से भी प्यार करते हैं या उस जैसा बनना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन इससे क्यों अट्रैक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। और आपके पर्सन यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की लाइफ में
बेसिकली इसीलिए आए क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे, इसके करने से, इसके कॉन्फिडेंस से, इसने जो भी अपनी ज़िंदगी में अचीव करा है, जो भी एंजॉय करा है, जो भी अर्न करा है, उन सब चीज़ों से आपके पर्सन एक वक्त पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को चुनने का फैसला लिया था। आपके पर्सन को यहाँ पर इसकी जो डोमिनेटिंग नेचर थी ना, जैसे एक होता है इंसान का कि दूर से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसके इस डोमिनेट नेचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और इसकी तरफ ये बड़े नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता था इस थर्ड पार्टी को लेकर हमेशा शुरुआत में कि ये थर्ड पार्टी इन्हीं के लिए बनी है, ये दोनों मेक फॉर ईच अदर है, चाहे रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। एज एन अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन को यही लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर पेरेंट्स और आपके पार्टनर हैं चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड इस पर्सन से, तो भी नहीं लगता था कि भाई जैसे मेरे परिवार वाले हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं भी वैसा ही हूँ या वैसी ही हूँ। तो ओवरऑल आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जैसा बनना चाह रहे थे या चाहते थे। ठीक है, और बिल्कुल इसकी तरह ही ये अपने आप को ढालना चाह रहे थे, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन लोगों के बीच में कुछ तो मेजर हुआ है विद दिस द टावर कार्ड। कुछ ऐसी आंधियाँ आई हैं, कुछ ऐसी सच्चाई आई है आपके पर्सन के सामने, जो इनके भ्रम थे इस थर्ड पार्टी को लेकर, जिस भ्रम के पीछे ये भाग रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, जैसे वो भ्रम ही ब्लास्ट हो गए हों, वो भ्रम ही कहीं ना कहीं तूफान में कन्वर्ट हो गए हों। तो कुछ ऐसा मेजर आपके पर्सन की लाइफ में हुआ है इसी थर्ड पार्टी को लेकर, और इस रीज़न की वजह से, इस टावर मोमेंट की वजह से अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में इनके शोर चल रहा है कि क्या इन्होंने पास्ट में इसे सेलेक्ट करने का जो डिसीजन लिया था वो सही था या नहीं, या जो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे क्या वो चीज़ें सही थी या नहीं सही थी। तो उस चीज़ का भ्रम, उस चीज़ का कंफ्यूजन अब आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चलता है करंट में। ठीक है, इसी कंफ्यूजन के चलते आपके पर्सन ये नहीं समझ पा रहे हैं अब कि ये इस थर्ड पार्टी के साथ सक्सेस को रिसीव कर रहे हैं या फिर डार्क साइड को रिसीव कर रहे हैं, यानी कि पैसा अटूट होगा, स्टेबिलिटी अटूट होगी, रेपुटेशन भी होगा, लेकिन प्यार नहीं है इसके साथ रहकर। तो इस तरह का कंफ्यूजन अब आपके पर्सन के मन में चलता है इस थर्ड पार्टी को लेकर, यानी कि अब ये इस थर्ड पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। एज एन इसे छोड़कर सक्सेस मिलेगी या इसके साथ रहकर अबेंडेंस मिलेगी, तो इस तरह का कंफ्यूजन अब आपके पर्सन के मन में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चलता है। इस वक्त में आपके पर्सन भले थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं लेकिन इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आते हुए दिख रही है इस तरह का खुलासा, इस तरह की सच्चाई आने के बाद, क्योंकि आपके पर्सन अब श्योर नहीं है कि इन्हें इसके साथ जारी रखना है या नहीं रखना है। इसके साथ पैसा है, स्टेबिलिटी है, शायद एक रेपुटेशन, खुशियाँ, सेलिब्रेशन है, लेकिन मन की शांति क्यों नहीं है। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के मन में चलती हैं इस थर्ड पार्टी को लेकर। तो क्लैरिफाई करना तो बनता है भाई कि आखिर ऐसी क्या सच्चाई आई है आपके पर्सन के सामने इस थर्ड पार्टी को लेकर। रिवर्स में भी कार्ड्स पड़े जाएंगे क्योंकि ये कार्ड्स दोनों ही साइड से होते हैं। गाइड कीजिए, बताइए द टावर को, क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर किस तरह की सच्चाई व्यूअर्स के पर्सन के सामने आई है इस थर्ड पार्टी को लेकर करंट में। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, द टावर को क्लैरिफाई कीजिए। 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे आया है 6 of Swords अपराइट में एंड किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स्ड में आया है, 2 of Swords अगेन एंड द हैंगमैन अगेन रिवर्स्ड। ठीक है,
देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने इस थर्ड पार्टी को लेकर किसी तरह की ऐसी सच्चाई सामने आई है जिस मामले में थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अभी तक मिसलीड करती रही है, मिसगाइड करती रही है, यानी कि इन्हें कुछ ऐसे ही अपने रीति रिवाज बताती आई है, कुछ ऐसी मैन्युपुलेटिव बातें आपके पर्सन के सामने प्रेजेंट करती आई है जिस चीज़ का खुलासा आपके पर्सन को हुआ है, और वही चीज़ें आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना है उस तरह के कंफ्यूजन में डाल रही है। एज एन आपके पर्सन के मन में अब शांति नहीं है इस थर्ड पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से जैसे अपने आप को दूर करना चाह रहे हो, ठीक है, एज एन की इस थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे सरेंडर करना चाह रहे हो, या फिर बस शांति की तलाश में, अपने मन में एक सुकून की तलाश में ये दूर जाना चाह रहे हो, तो उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में काफ़ी मैन्युपुलेटिव है, और आपके पर्सन को हमेशा हर एक चीज़ में कई बातें छुपाकर अपने मन मुताबिक चीज़ों को सर्व करती आई है, और जिस चीज़ का खुलासा आपके पर्सन को डेफिनेटली हुआ है, ठीक है, और आपके पर्सन इन चीज़ों को बेसिकली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्होंने इस थर्ड पार्टी को ना कहीं बहुत माना है, इन्होंने इस पे आंख बंद करके भरोसा करा है, और कहीं ना कहीं वो भरोसा जैसे इनका टूटा हो, इनकी लाइफ में जैसे एक बिजलियाँ गिर गई हो इसकी सच्चाई को देखकर, तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी कभी भी आपके पर्सन से सच्ची बातें करती ही नहीं थी, हमेशा आपके पर्सन से बातें छुपाती आई है, जो बता रही है वो भी मैन्युपुलेटिव वे में बता रही है, गलत सलत बता रही है, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बता रही है जिस चीज़ की क्लियरिटी आपके पर्सन को हुई है, और वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में, इनके दिमाग में, इनके दिल में एक बिजली की तरह गिरी हैं जिस रीज़न की वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इस थर्ड पार्टी के साथ अब रहे भी या नहीं रहे, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन का करंट में क्या सोचना है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स थ्री ऑफ कप्स के मामले में। 1, 2, 3 and 4 तो यहाँ पे आपका आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 2 of Pentacles and 6 of Cups। बेसिकली अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि थर्ड पार्टी का ये जो रोज का सेलिब्रेट करना, रोज़ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, इन सब चीज़ों में अब अकेलापन फील होने लगा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली अपनी लाइफ में बिजी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके पर्सन मन से कितने अशांत हैं, कितने अकेले हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें इस अकेलेपन में अपने पास्ट के पर्सन की, यानी कि आपकी आपकी केयर की, आपकी मदरली नेचर की इन्हें डेफिनेटली याद आ रही है, ठीक है। इस अकेलेपन में थर्ड पार्टी के साथ भले पार्टी में जाते हो, सेलिब्रेट करते हो, लेकिन ऐसी एनर्जी दिख रही है उस पार्टी में रहकर भी अपने आप को अकेला कर लेते हो, अकेले जाकर खड़े हो जाते हो, तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और उस अकेलेपन में अब इन्हें डेफिनेटली आपकी तो याद आती है, अपने पास्ट के उसी साथी की याद आती है जिसे लेकर एक वक्त पे ये दुविधा में थे, क्रॉस रोड पे थे, और आज उस अकेलेपन में भी ये अपने आप को उसी क्रॉस रोड पर अगेन फील करते हैं। पॉसिबिलिटी है काफ़ी लंबे समय जब ये फैसला ले रहे थे उसके बाद इन्होंने काफ़ी समय तक ऐसे दिखाया कि इन्होंने सही फैसला लिया है, सही डिसीजन लिया है, लेकिन अब ये पर्सन थर्ड पार्टी की रोज़ रोज़ के एन्जॉयमेंट से कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं 10 of Cups और 10 of Pentacles के मामले में व्यूअर्स के पर्सन का अब करंट में क्या सोचना है इस थर्ड पार्टी को लेकर, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। 1, 2, 3, 4 तो देखिए यहाँ पर आपका आया है लवर्स, अपराइट में आया है 10 of Swords, Page of Wands and the Star। बेसिकली आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये समझ में तो आ गया है कि इंसान की असली खुशियाँ, असली सफलता पैसा नहीं, प्यार है, क्योंकि वहाँ पर सुकून है। तो यहाँ पे भी क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके पर्सन की नज़रों में ना
प्यार ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहा है, एक जीवन साथी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है जिसके साथ ये हील हो सकते हैं, जिसके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं, और उसी पर्सन के साथ रिश्ते के बारे में जिसके साथ इन्होंने ऑलरेडी रिश्ते का एंड कर दिया है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अब आपके पर्सन भले थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन इनकी इच्छा यही होती है कि आपकी तरफ बढ़ें, आपसे बात करें, इस रिश्ते को हील करें, जो भी इनका आपके साथ रिश्ता था तो उसमें ये जो भी इन्होंने मतलब आप लोगों के रिश्ते को बंजर कर दिया था उसमें वापस से ये पानी डालकर हरियाली लेकर आए, यानी कि प्यार, इमोशंस, केयर जो पहले एक वक्त पे हुआ करते थे वो लेकर आए। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के मन में चलती हैं थर्ड पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो, आप लोगों के बीच में स्टेटस का फ़र्क है या फिर आप लोगों के बीच में ट्रेडिशंस, कास्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, और कहीं ना कहीं यही वजह थी इस पर्सन के कंफ्यूज्ड होने की। और इस पर्सन ने इस पैसे को, स्टेबिलिटी को, रेपुटेशन को, ट्रेडिशंस को, इन सबको वैल्यू दी, इन्हें अपनी धन दौलत माना, लेकिन आज करंट में इन्हें ये धन दौलत इतना प्यारा नहीं लग रहा है जितना कि इन्हें ये प्यार या आपका साथ। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रही हैं। तो डेफिनेटली अब आपके पर्सन ना जिस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म करा उस रिश्ते में वापस से ये प्यार, केयर, सपोर्ट, ये सब लेकर आना चाह रहे हैं, अब ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ कार्ड्स हमारे यहाँ पर क्लियर हुए कि अब आपके पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है, किस तरह की सच्चाई आई है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपके पर्सन जैसे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और अगर ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं तो अल्टीमेटली इनका क्या फैसला होगा, तो वो देखेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द सन, डेफिनेटली ये पर्सन इस कंफ्यूजन से बाहर तो निकलेंगे, किस तरफ ये बढ़ेंगे अल्टीमेटली गाइड कीजिए बताइए। क्या थर्ड पार्टी से व्यूअर्स के पर्सन मूव ऑन करेंगे या नहीं गाइड कीजिए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का फैसला लेंगे, आपकी तरफ बढ़ने का ये पर्सन डेफिनेटली फैसला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थर्ड पार्टी जैसा बनने चले थे, क्वीन ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना, लेकिन वहाँ पर रहकर इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, आपकी नेचर की याद आती है, और उसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना डेफिनेटली आप ही की तरफ बढ़ेंगे विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके जैसा बनने के लिए आप जैसा ही बनेंगे ये पर्सन, और आप ही की तरफ अपनी सिक्योरिटी, अपना प्यार वापस से देने और लेने ज़रूर आएंगे एक बैलेंस्ड एनर्जी में। तो ये पर्सन कंफ्यूजन से भी बाहर निकलेंगे, थर्ड पार्टी से भी बाहर निकलेंगे, और किंग ऑफ पेंटिकल्स ही क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक कार्ड और देखते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर व्यूअर्स के पर्सन किसकी तरफ बढ़ेंगे गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए यहाँ पर आया है टेन ऑफ कप्स। तो ये पर्सन उस इंसान की तरफ वापस बढ़ेंगे जिस इंसान के ऑफर इन्होंने एक वक्त पे गवा दिए थे या उन पर ध्यान नहीं दिया था, उन्हें इग्नोर कर दिया था, तो ये पर्सन वापस से उस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो ये कंपेयर कर रहे हैं कहाँ प्यार है, कहाँ सुकून है, उसकी तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, अपने घर की तरफ डेफिनेटली आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, और समय और देख लेते हैं एक बार मेजर अरकाना से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए, कब तक व्यूअर्स के पर्सन बढ़ेंगे व्यूअर्स की तरफ इस थर्ड पार्टी को छोड़कर। जस्टिस भाई, देखो आप लोगों का जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को यहाँ पर न्याय मिलेगा। डेफिनेटली ये पर्सन
साहस नहीं कर पा रहे थे आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर साहस भी लेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ये यहाँ पर डेफिनेटली है। तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की वापस से आपकी ज़िंदगी में बढ़ने की। मुझे यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है, देखो 8 से लेकर 11 हफ्ते इस पर्सन को आप लोगों की तरफ बढ़ने में लग सकते हैं, आपके रिश्ते को न्याय मिलने में लग सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, पॉजिटिविटी या मिरेकल, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल यहाँ पर डेफिनेटली होगा, ये एनर्जीज यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन, हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी कन्फ्यूज़न में है और डिपेंड ये करता है कितनी जल्दी इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करें, कितनी जल्दी यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो, कितनी जल्द आपके पर्सन अपनी पावर को समझे, तो ये डिपेंड करता है आपके पर्सन के साहस के ऊपर, उनके करेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जैसी रीडिंग आई है, जैसे कार्ड्स आए हैं, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं 8 से लेकर 11 हफ्तों के बाद इनकी आपकी तरफ बढ़ने के योग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, और मतलब उसके बाद जैसे कि सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में होंगे, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बेसिकली नहीं जाएगी, आएंगे आपके पर्सन, और वो उनके आने की वजह ये है कि वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी से हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, हद से ज़्यादा इसकी सच्चाइयों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, या इसकी जो झूठी सच्ची बातें हैं उन्हें अब और छुपाने का स्टैमिना इनके अंदर नहीं रहेगा, उन्हें बर्दाश्त करने का हुनर इनके अंदर वो नहीं बचेगा, वो साहस इनके अंदर नहीं बचेगा, और इसी रीज़न की वजह से ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको इस रिश्ते को न्याय यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये आज की इस रीडिंग में क्लियर हो रहा है। तो आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।